दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों अपने जो मृदा विज्ञान का जो अपने भौतिक प्रकृतियां पढ़ रहे थे हमें टॉपिक नंबर 4 में, जिसमें हमने पढ़ा था भौतिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति और जैविक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृतियां हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मृदा का आकार पढ़ लिया, मृदा की संरचना पढ़ ली और मृदा जल पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जिसमें हम मृदा की भौतिक प्रकृतियां ही हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगला है, मतलब भौतिक प्रकृति 3 पढ़ ली हमने, मृदा जल, मृदा ये मृदा की संरचना और मृदा कणाकार, ये अपना रहा है। चौथा है जिसमें मृदा का घनत्व पढ़ेंगे। तो देखिए मृदा का घनत्व कंप्लीट रूप से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि घनत्व क्या होता है। मृदा का तो पता है आपको, मृदा का घनत्व में घनत्व का क्या अर्थ होता है? घनत्व, घनत्व डेंसिटी, क्या होता है डेंसिटी? तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो, उसका मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन जो होता है उसे ही क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो मृदा का, मृदा का देख रहे हैं तो मृदा का, और यहां पे मृदा का यानी कि मृदा का जो द्रव्यमान और बटा आयतन, यानी मृदा का द्रव्यमान बटा जो आयतन होता है उसे ही मृदा का घनत्व बोलते हैं। और सामान्यतः मृदा का घनत्व है ज्ञात किया जाता है पिक्नोमीटर यंत्र से, पिक्नोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मृदा का घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो पिक्नोमीटर से मृदा का घनत्व ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं जो मृदा का घनत्व है, मृदा का घनत्व वह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है BD और एक होता है PD यानी कि पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व, और पार्टिकल डेंसिटी मतलब कण घनत्व, कण घनत्व, और इसको वास्तविक घनत्व भी बोलते हैं यानी कि रियल डेंसिटी, वास्तविक घनत्व भी बोलते हैं कण घनत्व को। अब देखो आगे दोनों को डिफरेंटली पढ़ते हैं, स्टडी दोनों को अलग अलग से करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि BD क्या होता है, फिर बाद में PD की बात करते हैं। देखिए BD समझिए, मान लो मृदा कण है, मृदा कण है और इनमें बीच में रंध्रावकाश है, रंध्रावकाश, इन दोनों का प्रतिकाय आयतन का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है तो वह बल्क डेंसिटी कहलाता है। सुनिए दोबारा, शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व कहते हैं, यानी कि शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, यानी कि ये द्रव्यमान बटा आयतन आ गया, इसमें से तो परिभाषा निकली है कि शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को। देखो शुष्क मृदा है तो उसमें अपने रंध्रावकाश होंगे, रंध्रावकाश होंगे और मृदा कण है ही, मृदा कण तो है ही और इनके बीच में रंध्रावकाश है, तो इनमें जो बल्क डेंसिटी है उसमें मृदा कण है और ये रंध्रावकाश, इन दोनों का घनत्व ज्ञात किया जाता है। कुल मिला के बोल दे, बल्क डेंसिटी में मृदा कण यानी कि कण है और रंध्रावकाश हो, रंध्रावकाश हो, दोनों का क्या ज्ञात किया जाता है? घनत्व। क्या ज्ञात किया जाता है? घनत्व, यानी कि उसमें मर्दा कण भी है और रंध्रावकाश दोनों है, शुष्क मर्दा में दोनों है, इन दोनों का घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो परिभाषा के अनुसार मैंने बता दिया, शुष्क मर्दा के प्रतिकाय आयतन के द्रव्यमान जिसमें मर्दा कण और रंध्रावकाश दोनों सम्मिलित हो उनका घनत्व ज्ञात किया जाता है। क्या कहलाता है? स्थूल घनत्व। अब बात करते हैं PD की, PD की यानी कि पार्टिकल डेंसिटी। तो इधर सुनिए, ये मर्दा कण है, क्या है? मृदा कण, मृदा कण ये कण, और इनमें रंध्रावकाश नहीं है, इनमें तो क्या थे, मृदा कणों के बीच में रंध्रावकाश, जबकि इनमें रंध्रावकाश नहीं है। तो परिभाषा के अनुसार रंध्रावकाश रहित शुष्क मृदा के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? पार्टिकल डेंसिटी या
कण घनत्व है, यानी कि कुल मिलाकर बोल दू कण घनत्व में कणों का ओनली वन मर्दा कणों का घनत्व ज्ञात किया जाता है, इसके कारण इसको वास्तविक घनत्व या कण घनत्व बोलते हैं। क्या किया जाता है इसमें, ओनली वन मर्दा कणों का घनत्व ज्ञात किया जाता है, जबकि इसमें मर्दा कणों और रंध्रावकाश दोनों का घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो इसमें मर्दा कणों का घनत्व ज्ञात किया जाता है। तो परिभाषा के अनुसार मैंने बोला रंध्रावकाश रहित, कौन से रंध्रावकाश रहित शुष्क मर्दा के प्रतिकाय आयतन के द्रव्यमान को, और इसमें क्या बोला शुष्क मर्दा के प्रतिकाय आयतन के द्रव्यमान को, जिसमें रंध्रावकाश और मर्दा कण दोनों सम्मिलित होते हैं, दोनों का घनत्व ज्ञात किया जाता है, जबकि इसमें मर्दा कणों का ओनली ओन मर्दा कणों का घनत्व ज्ञात किया जाता है, यानी कि रंध्रावकाश रहित शुष्क मर्दा के प्रतिकाय आयतन के द्रव्यमान को। ये हो गया। अब देखते हैं कि सामान्यतः सामान्य मर्दा की बीडी कितनी होती है, यानी कि बीडी देखते हैं सामान्य मर्दा, सामान्य मर्दा उसकी बीडी यानी कि स्थूल घनत्व होता है 1.33 ग्राम प्रति सीसी बोल दो, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या एमजी प्रति मीटर क्यूब बोल दो, ये मतलब इसकी इकाइयां है। याद रखना इसको स्थूल घनत्व या पार्टिकल, ये कण घनत्व यानी कि स्थूल घनत्व और कण घनत्व की दोनों की मापने की इकाई है ग्राम प्रति सीसी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और एमजी प्रति मीटर क्यूब दोनों की इकाइयां है, ये है मापने की इकाइयां दोनों की, ठीक है इस दोनों की। अब ये हो गया सामान्य मर्दा की क्या हुई है बीडी हुई। अब देखो एक तो होती है ऊपरी मर्दा, एक होती है नीचे की मर्दा, तो बीडी हमेशा नीचे की मर्दा की ज्यादा होती है, यानी कि अधोमर्दा या अवमर्दा की बीडी हमेशा ज्यादा होती है ऊपर की मर्दा की अपेक्षा, तो वह होती है 2 ग्राम प्रति सीसी, यूनिट लिख देना, 2 होती है, कितनी 2। अब आगे देखते हैं मर्दा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने पर बीडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मर्दा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने पर बीडी कम हो जाएगी, इधर को उठा दूं, मर्दा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने पर बीडी हमेशा कम होती है, मर्दा में कार्बनिक पदार्थ इंक्रीज यानी बढ़ा दो, तो यानी कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने से बीडी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो बल्क डेंसिटी है कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने से घट जाएगी। अब देखते हैं आगे मर्दा में भूपरिष्करण करने से, भूपरिष्करण करने से भी बीडी है अपनी वो कम हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर कह दूं मर्दा में कार्बनिक पदार्थ और ये जो भूपरिष्करण करने से मर्दा की का स्थूल घनत्व घट जाता है। अब देखते हैं ज्यादा मतलब कौन सी मर्दा का स्थूल घनत्व ज्यादा होता है, तो बालू मर्दा है ना उसका स्थूल घनत्व ज्यादा होता है, बालू का बीडी अधिक होती है, ठीक है यानी बालू की बीडी अधिक होती है जबकि कल्ले की कम। इधर देखो बालू की बीडी अधिक और कल्ले की कम, जबकि पीडी कल्ले की तो ज्यादा और मतलब बालू की कम, इसमें बीडी थी वह अधिक है किसकी बालू की और कल्ले की कम थी, लेकिन कण घनत्व में क्या होगा कल्ले का जो पीडी है वह ज्यादा होगी और बालू की कम होगी। आ गया समझ में, ये हो गई आपकी बीडी। अब पीडी की बात करते हैं, परिभाषा देख ली। अब देखते हैं सामान्य मर्दा की पीडी कितनी होती है, सामान्य मर्दा की पीडी होती है इसकी दुगुनी, जो बीडी है ना उसकी दुगुनी होती है, कितनी 2.65 ग्राम प्रति सीसी या ये यूनिट कोई से भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मर्दा में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ और भूपरिष्करण दोनों को बढ़ाते हैं तो बीडी भी कम होगी और पीडी भी कम होगी, तो ऑर्गेनिक मैटर और भूपरिष्करण करने से यानी कि इनको बढ़ाने से हमेशा पीडी है वह डिक्रीज होगी, कम होगी, इसमें भी कम होती है और इसमें भी कम होती है। अब देखते हैं आगे कल्ले की पीडी ज़्यादा होती है जबकि बालू की पीडी
कम होती है। समझ में आ गई? इसमें तो बालू की बीडी ज्यादा थी और कल्ले की बीडी कम थी, उसमें क्या है, पीडी कल्ले की ज्यादा है और बालू की पीडी कम है। ये हो गया दोस्तों आपके बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, यानी कि सॉइल डेंसिटी के प्रकार दोनों, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इससे संबंधित एक टर्म है जिसका नाम है सॉइल पोरोसिटी, यानी कि मृदा सरंध्रता या मृदा रंध्रता, जिसका फॉर्मूला देखना है अपन को बस। सॉइल पोरोसिटी यानी कि मृदा रंध्रता। देखिए सॉइल पोरोसिटी किसे कहते हैं, जो मृदा है या कण है, मृदा के कण, मृदा कण, इनमें जो स्पेस होता है, स्पेस मतलब खाली स्थान या खाली जगह, उनको क्या बोलते हैं, मृदा रंध्रता या मृदा रंध्रता या सॉइल पोरोसिटी बोल दो या रंध्रा अवकाश बोल दो, एक ही बात है। समझ गए? मृदा में जो खाली जगह या जो स्पेस होते हैं, खाली जगह होती है, उनको रंध्रा अवकाश या मृदा रंध्रता बोलते हैं। और सॉइल पोरोसिटी निकालने का सूत्र होता है एक माइनस बी डी बटा पी डी इंटू 100, यानी कि सॉइल पोरोसिटी आपने पढ़ा हुआ रंध्रता परसेंटेज में निकलती है, कितने में, परसेंटेज में निकलती है सॉइल पोरोसिटी, परसेंटेज मतलब 100 × 100 लगाना है, तो एक माइनस बी डी बटा पी डी, ठीक है। अब कैसे करोगे, जैसे मान लो बी डी आपको दे दे 1.33 और पी डी दे दे 2.65, तो रखो एक माइनस बी डी कितनी है 1.33 और पी डी कितनी है 2.65 इंटू 100 बटा एक रख लेना, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट काट देना, इस प्रकार से काट के आपके पोरोसिटी आएगी मृदा में 50%, कितनी 50% मृदा में रंध्रता पाई जाएगी इसके अनुसार। अब इसको आपको चेंज कर भी दे करके भी दे देना एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम में, एग्जाम्पल या एग्जाम में आपके चेंज कर दे, यहाँ पे जैसे मान लो 1.2 दे दिया, यहाँ पे 2.8 दे दिया, कुछ भी दे दे, तो आपको इस प्रकार से काट के 100 से इंटू कर देना, जो आएगा परसेंटेज में आएगा। और लेकिन इसका 1.33 और 2.65 दे दे तो इसका आंसर आएगा आपके पोरोसिटी आएगी 50%। इस प्रकार से आपको करना है मृदा रंध्रता या मृदा रंध्रा अवकाश या सरंध्रता। धन्यवाद दोस्तों, ये आपकी मृदा की भौतिक प्रकृति थी जो चौथी थी, जिसमें पहले हमने मृदा कणाकार पढ़ लिया, मृदा संरचना पढ़ लिया, मृदा जल पढ़ लिया और ये मृदा का घनत्व हो गया। धन्यवाद दोस्तों, तब तक नमस्कार, मिलते हैं एक नए दोस्त नए वीडियो के साथ कल।